हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। लोकालोक भ्रमत मेरी पड़ गई मंद उड़ान, होए पराजित में परो राम चरण में। लोमश ऋषि के आशीर्वाद से मेरे इष्ट बालक राम हैं, अतः हे पक्षीराज, जब जब श्री राम मानव देह धारण करके संसार में अपने भक्तों के लिए लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाकर 5 वर्ष तक प्रभु की बाल लीला का आनंद लेता हूं। मैं एक छोटे से कौए का रूप धरकर भगवान के साथ खेलता रहता हूं। आंगन में जो उनकी जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूं। कई बार नारद जी भी आकाश में आकर ये लीला कांड देखते रहते हैं। कई बार तो वो मस्ती में गाते भी हैं। कागा संग खेले राम सलोने, कागा संग खेले इस जगती के जीव है जितने, मानो राम के खेल खिलौने, कागा संग इसी प्रकार एक बार श्री राम जी के संग खेल रहा था। दासी अंदर दूध लेने गई थी। हम दोनों अकेले थे। वो मुझे रोटी दिखा दिखा कर खिजा रहे थे। मैं पास जाता तो पकड़ने की कोशिश करते। खेलते खेलते मैंने उनके हाथ से रोटी छीन ली। इस पर वो जोर जोर से रोने लगे। रोटी के टूक के कारण रोवत तीनों लोक के पालन हारे, शंका भई क्या यही है यही भगवान रमापति राम हमारे। मैंने प्रभु को वही रोते छोड़ा, उड़ने लगा मैं तो पंख पसारे, जाऊं जहां जहां आए तहां तहां पीछे वो
बालक रोता हुआ रे आए, वो बालक रोता हुआ रे। लोकालोक भ्रमत मेरी पड़ गई मंद उड़ान, हो पराजित में परो राम चरण में। तब मैं घबरा कर त्राहि त्राहि पुकार उठा। मैंने दीन भाव से कहा, प्रभु मेरी रक्षा करो, हे आर्थ जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दीन दयाल दया करके तब मोहे चतुर्भुज रूप दिखायो। काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरे मन भायो। संपत्ति देहूं के सदगति देहूं, वो देहूं मैं आज जो तोहे सुहायो। सिद्धि के सिद्धि के मुक्ति मैं देहूं, के देहूं वो दान जो कोई न पायो। सिद्धि के मुक्ति मैं देहूं, के देहूं वो दान जो कोई न पायो। उनकी प्रेम भरी वाणी सुनकर मेरे अश्रु आ गए, परंतु मैंने मन में विचार किया कि प्रभु ने सब सुखों को देने की बात कही है, परंतु जो वास्तव में सुखों की खान है वो भक्ति देने की बात तो प्रभु ने कही नहीं। बाकी सारे सुख तो काल के अधीन हैं, समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, परंतु भक्ति से जो सुख मिलता है वो तो समय के साथ बढ़ता ही जाता है, उसका कभी क्षय नहीं। ये सोचकर मैंने प्रभु से विनती की कि प्रभु मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल अपनी भक्ति प्रदान करें। हे काक, तुम स्वभाव से ही बुद्धिमान हो, इसलिए तुमने सुख नहीं मांगे परंतु सुखों की खान भक्ति मांगी। तुम जैसा कौन बड़भागी होगा जो ऋषि मुनि जप और योग की अग्नि में शरीर को जलाकर करोड़ों यत्न करके भी नहीं पा सकती। तुमने वही भक्ति मांग ली, तुम्हारी चतुराई पर मैं रीझ गया हूं। अब मेरे प्रसाद से भक्ति के साथ समस्त शुभ गुण भी हृदय में वास करेंगे। तुम मेरे निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को पहचान जाओगे। काल तुम्हें कभी नहीं मार सकेगा। कल्प के अंत समय प्रलय काल में तुम्हारा अंत नहीं होगा। Thank you.